गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से, और जावा के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और जावा में थ्रू आउट द सिलेबस जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डेट टॉपिक इज द विजिबिलिटी कंट्रोल। तो आज हम लोग विजिबिलिटी कंट्रोल का स्टडी करेंगे। दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफायर इन C++, यानी C++ में इस टॉपिक को हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से पढ़ चुके हैं। तो चलिए जावा में देखते हैं कि क्या कुछ C++ से अलग है। तो कहता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के दरमियान सम टाइम वी मे वांट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिंग ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स एंड मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के बाहर कुछ वेरिएबल्स और मेथड को हम लोग चाहते हैं कि उसके एक्सेस होना रिस्ट्रिक्ट हो जाए, रुक जाए। इन जावा वी कैन अचीव दिस बाई अप्लाइंग विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, यानी विजिबिलिटी मॉडिफायर्स को अप्लाई करके जावा में इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स या क्लास मेंबर आउटसाइड एक्सेस हो या नहीं हो। बिफोर इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड नेम, बिफोर यानी कि विजिबिलिटी मॉडिफायर लगाना है लेकिन कहाँ पर लगाना है, तो कहता है बिफोर इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड नेम। व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो जो भी वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस के थ्रू, हमने पहले भी बता रखा है इंस्टेंस इज द अनदर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही हम लोग इंस्टेंस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन भी है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ये मैं पहले भी बता रखा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करना चाहूँगा। ओके तो जावा में क्या करना है कि वेरिएबल्स के पहले, मेथड्स के पहले हमें विजिबिलिटी मॉडिफायर्स लगाना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि वहाँ पे था एक्सेस स्पेसिफायर और यहाँ पे है एक्सेस मॉडिफायर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जावा बेसिकली प्रोवाइड थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, इन तीनों से हम लोग परिचित हैं। लेकिन ये देखना है कि कब कहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल होता है और सी से क्या, सी प्लस प्लस से किस तरीके से ये डिफरेंट है। तो कहता है एनी वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर यदि उसे हमें एक्सेस करना है तो हमें पब्लिक लगाना पड़ेगा और ये हम लोग जानते थे, जैसे पब्लिक इंट नंबर, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके अब एक चीज़ थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे C++ में एक्सेस स्पेसिफायर के बाद यहाँ पे कोलोन लगाना होता था, बट यहाँ कोलोन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके अब प्राइवेट क्या कहता है, तो कहता है द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसेबल ओनली अंडर द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर, यानी कि जहाँ जिस क्लास में डिक्लेयर कर रखा है उससे बाहर हम चाहते हैं कि वो एक्सेस ना हो, तो हमें उसे एज ए प्राइवेट डिक्लेयर करना होगा, यानी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना होगा। यानी कि यहाँ पब्लिक के जगह पे हमें क्या कर देना होगा, प्राइवेट, ये जो पब्लिक यहाँ पे लगा हुआ है इसके पहले हमें कर देना होगा प्राइवेट। फिर आगे कहता है कि दे कैनॉट बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास, यानी कि अगर प्राइवेट कर दिया तो वो सब क्लास भी उसे इनहेरिट नहीं कर सकता है। हेंस ए मेथड डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट बिहेव, सॉरी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट बिहेव लाइक ए मेथड डिक्लेयर्ड एज फाइनल। तो फाइनल की वर्ड भी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी मेंबर को, क्लास मेंबर को एज ए फाइनल मॉडिफायर यदि उसके पहले लगा देते हैं तो उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाता है इनहेरिटेंस में, सब क्लास भी उसे एक्सेस नहीं कर पाता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसे दूसरे जगह पे हम लोग क्या कर सकते, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो कहता है द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर ओनली एक्सेसेबल बाय सब क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस में हम लोगों ने सब क्लास का केस देखा है, पढ़ा है, तो कोई भी सब क्लास अगर है तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन केवल सब क्लास ही कर सकता है एंड और दूसरा क्लास नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देखिए कहता है कि एक्सेसेबल बाय सब क्लास एंड अदर क्लासेस, तो सब क्लास तो कर ही सकता है और लेकिन अदर क्लास भी कर सकता है, लेकिन अदर, फिर ये भी कह रहा है कि कुछ ऐसे भी क्लास होंगे जो नहीं कर सकते हैं, तो अदर क्लास में कौन से क्लास आते हैं और फिर दूसरे वाले अदर क्लास कौन से हैं जो नहीं कर सकते हैं,
तो कहता है इन द सेम पैकेज, यानी कि जावा में अब पैकेज का कंसेप्ट है ना, यही पैकेज जो है दूसरे लैंग्वेज में नेम स्पेस के नाम से आता है। तो अब पैकेज क्या है वो नीचे मैं डिफाइन करूँगा। तो एक पैकेज है, यानी इस तरीके से समझिए कि पैकेज एक गांव है, एक विलेज है या एक मोहल्ला है। तो किसी भी, और जितने सारे उसमें घर है वो सारे क्लासेस हैं। तो किसी एक घर में यदि एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर डिक्लेयर किया गया है तो उस प्रोटेक्टेड मेंबर को दूसरे घर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मोहल्ले से बाहर के लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और उस मोहल्ले के क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल क्लास भी और सब क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई सब क्लास होगा तो वो भी उसे एक्सेस कर पाएगा। ओके, फिर आगे कहता है बट दे आर ऑल्सो एक्सेस बाई सब क्लास आउटसाइड द पैकेज, यानी पैकेज के बाहर या अंदर, मोहल्ले के बाहर या अंदर कोई भी सब क्लास है तो वो एक्सेस करेगा, और पैकेज के अंदर यानी मोहल्ले के अंदर यदि कोई क्लास सब क्लास नहीं है तो भी वो एक्सेस करेगा। आप समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर आगे कहता है व्हाट इज पैकेज, तो कहता है पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज स्टोर्ड सेपरेटली, यहाँ पे STORED होगा तो R लगा लीजिएगा, ये छूट गया है। तो अब पैकेज भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर रिलेटेड क्लासेस को एक जगह पे ग्रुप करना और फिर उसे एक पैकेज का रूप देना हमारा पैकेज कहलाता है। अब कहता है आउटसाइड द एबव थ्री एक्सेस मॉडिफायर, ये तीन तो हम लोग पढ़ चुके थे, देयर आर टू मोर मॉडिफायर, इसके अलावा भी दो अलग तरीके के मॉडिफायर है जो है कि फ्रेंडली एक्सेस एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो इन दोनों को देखते हैं, फ्रेंडली एक्सेस एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस। एक चीज आप लोग अपने, मैं अभी आपसे तो डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, इसका जवाब आप जानते होइएगा कि C++ में जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते थे तो डिफॉल्ट क्लास लेवल एक्सेसिबिलिटी होता था क्या, तो आपको याद होगा प्राइवेट होता था। ओके, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट नहीं होता है, बिकॉज इससे पहले जितना भी हमने एग्जांपल दिखाया है या हमने किया है उसमें हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज करते थे, फिर भी उसको क्लास के बाहर मेन में हम एक्सेस कर लेते थे, यानी दूसरे क्लास में एक्सेस कर लेते थे, सब क्लास भी उसको एक्सेस कर लेता था। तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास लेवल इन जावा वो प्राइवेट नहीं होता है, कुछ और होता है, यही डिफरेंसिंग है जो हमें जानना है। तो चलिए हम लोग फ्रेंडली एक्सेस पे आते हैं। तो फ्रेंडली एक्सेस क्या कहता है, इफ ए क्लास मेंबर इज डिक्लेयर्ड विदाउट एनी एक्सेस मॉडिफायर, यानी कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज नहीं किया है जिस तरीके से हम लोग इससे पहले करते आए थे, देन द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर डेट इज फ्रेंडली एक्सेस मॉडिफायर अप्लाइड ऑन दिस, यानी कि उस पे जो फ्रेंडली एक्सेस मॉडिफायर है ये जो है ये डिफॉल्ट है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जावा में डिफॉल्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर का, तो हमें बताना है फ्रेंडली एक्सेस मॉडिफायर। ओके, कहते हैं द फ्रेंडली एक्सेस मॉडिफायर टू एक्सेस द क्लास मेंबर ओनली इनसाइड द पैकेज, यानी पैकेज के बाहर, यानी कुछ भी हम उसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लगाते हैं तो वो फ्रेंडली एक्सेस मॉडिफायर वहाँ पे लग जाता है, और मोहल्ले के अंदर यानी कि पैकेज के अंदर कोई भी क्लास उसे यूज कर सकता है। ओके, अब चलते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस पे। तो प्रोटेक्टेड के केस में हम लोगों ने देखा था कि मोहल्ले के अंदर का क्लास और सब क्लास दोनों यूज कर सकता है, मोहल्ला का सेंस यहाँ पे पैकेज से है, मैं मोहल्ला बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पैकेज समझ में आए। तो पैकेज के अंदर क्लास और सब क्लास दोनों यूज कर सकता है और पैकेज के बाहर केवल सब क्लास यूज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस करने पे क्या होता है, तो कहता है कि द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड विद प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस इज ओनली एक्सेसिबल बाय सब क्लासेस इवन द सब क्लासेस डिक्लेयर्ड आउटसाइड द पैकेज। ये तो बात उसमें भी था, प्रोटेक्टेड में भी था कि कोई भी सब क्लास मोहल्ले के बाहर यानी पैकेज के बाहर है तो वो भी यूज करेगा, पैकेज के अंदर है तो वो भी यूज करेगा। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर, कहिए देखिए, नोट दैट द नॉन सब क्लासेस, यानी नॉन सब क्लासेस जो सब क्लास नहीं है, इवन इन द सेम पैकेज, यानी कि सेम मोहल्ले में यदि कोई क्लास सब क्लास नहीं है तो कैनॉट एक्सेस द प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स, यानी प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज नहीं कर सकता है। इसको कैसे डिक्लेयर करना है, तो प्राइवेट
और प्रोटेक्टेड, दोनों एक साथ नहीं लिखना है, दोनों अलग अलग लिखना है, ये दो अलग अलग कीवर्ड है लेकिन एक साथ मिलने पे स्पेस के साथ हमें लिखना है। और इसका मतलब होता है कि वो मेंबर जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड है उसको केवल सब क्लास यूज कर सकता है, वो सब क्लास पैकेज के अंदर हो या आउटसाइड द पैकेज हो, लेकिन इनसाइड द पैकेज यानी पैकेज के अंदर जो नॉन सब क्लास है यानी कि जो क्लास नहीं हो उसको यूज नहीं कर सकता। और प्रोटेक्टेड केवल प्रोटेक्टेड लगाने पे पैकेज के अंदर सब क्लास भी कर सकता है और नॉन सब क्लास यानी जो सब क्लास नहीं है वो भी यूज कर सकता है। ओके, तो आपको ये विजिबिलिटी कंट्रोल समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो अपना यहाँ पे एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।